भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और आपको बताएं कि पवन सिंह काराकाट संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से एनडीए समर्थित उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आदेश से पत्र जारी किया है और पत्र में लिखा गया है कि पवन सिंह एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और ये कार्य पार्टी विरोधी है, इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। अनुशासन के खिलाफ काम करने के लिए पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो पवन सिंह को ये पत्र जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि अनुशासन के खिलाफ आपने ये कार्य किया और आपको दल विरोधी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी से निकाला जा रहा है, तो ये निष्कासित किया जा रहा है। अरविंद शर्मा, प्रदेश मुख्यालय प्रभारी बीजेपी बिहार। पवन सिंह को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित करने पर सियासत शुरू हो गई। पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित करने पर सम्राट चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि पार्टी के खिलाफ काम करने पर ऐसी कार्रवाई समय समय पर होती रहती है। तो संजय मयूख ने कहा कि पार्टी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े उस व्यक्ति को पार्टी निष्कासित करती है। मंत्री जमा खान ने कहा कि पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई पार्टी स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होती है। देखिए, पार्टी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, व्यक्ति को पार्टी निश्चित तौर पे निष्कासित करती है। और यह निर्णय माननीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी पार्टी का निर्णय है कि पवन सिंह जी का निष्कासन हुआ है। लेकिन बिहार की 40 के 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी, यह निश्चित है, क्योंकि जनता का अपार आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी यूं भी अनुशासन के मामले में सक्रिय रहती है और गठबंधन के लिए जो प्रतिबद्धता है वो मजबूत है। लिहाजा काराकाट में हम लोगों के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जी, जो गठबंधन के सीनियर लीडर हैं, उनके विरुद्ध जो उम्मीदवारी है वो एनडीए गठबंधन को कमजोर करने के लिए थी। काराकाट हाँ तो है ही है, तो पार्टी की गतिविधियाँ सही नहीं रहेगी तो यही ना होगा, किसी भी पार्टी में होता ही है। जब पार्टी चुनाव लड़ा रही है, एनडीए चुनाव लड़ रही है और एनडीए खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप समझ रहे पार्टी को काम नहीं कर रहे हैं। आरजेडी ने पवन सिंह पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। आरजेडी ने कहा कि बीजेपी ने इतनी देर से फैसला क्यों लिया, बीजेपी में भगदड़ मची है। बीजेपी किसको निकालेगी, किसको रखेगी, ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। और आज इतने दिनों के बाद इनको याद आया कि पवन सिंह की जो गतिविधियां हैं बीजेपी के खिलाफ है, जो अब निकाल रहे हैं, ये तो पहले भी एक बार पवन सिंह जी को निकाल चुके थे। बीजेपी वाले अस्थिर रहे, बीजेपी में भगदड़ मचा हुआ है। और काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए भोजपुरी कलाकारों पर कहा, फिल्मी पैतरेबाजी से राजनीति की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिल्म स्टार की क्या जरूरत है भाई, वोटर यहाँ जनता की भी जनता की सेवा का मामले में यहाँ सिनेमा दिखाना है कि फिल्म स्टार आएगा। छपरा में भड़की चुनावी हिंसा और फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। किसी भी तरह के अफवाह नहीं फैले इसके लिए 2 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद है। एसपी ने नगर थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया है और हिंसा के बाद से पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया है। सैप की 3 टुकड़ी छपरा पहुंच गई है। चुनावी हिंसा के बाद बिहार की सियासत सुलग रही है। छपरा में सब शांति शांति है, अभी नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जो राजनीतिक खेमा है वो वहाँ पर सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। तेजस्वी यादव का बयान भी कुछ देर में हम आपको बताएंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पर अभी वो नहीं जा रहे हैं ताकि लोगों को ये न लगे कि वो वहाँ पर जाने से वो भड़काने आए हैं। ये बयान खुद उन्होंने दिया है। और ऐसे में छपरा हिंसा, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हथियार भी बरामद किए गए हैं, हथियार के बारे में भी कुछ सूचना है, और ये वो तस्वीरें जो सामने आई हैं वो दिखा रहे हैं।
सम्राट चौधरी ने छपरा गोलीकांड पर बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि रोहिणी आचार्य बूथ पर लोगों को भड़का रही थी। रोहिणी के साथ चल रहे सुरक्षा बल भी सम्राट ने उस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि लालू और राबड़ी देवी के अंगरक्षक रोहिणी के साथ चल रहे थे और इस बात की जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। वहीं सम्राट के अंगरक्षक वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। हम लोगों ने जांच के लिए कहा है कि यदि कोई पुलिस वाला, यदि वो लालू जी का अंगरक्षक हो, राबड़ी देवी जी का अंगरक्षक हो, इसकी जांच होनी चाहिए कि पाटलिपुत्रा में भी लालू जी के अंगरक्षक और राबड़ी देवी के अंगरक्षक मीसा भारती के साथ घूम रहे। ये सारे चीजों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जांच करने के बाद तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। सिर्फ उसी बूथ पर, जिस बूथ पर रोहिणी आचार्य गई और वहां पर दो दो बार गई और बूथ को डिस्टर्ब किया, लोगों को भड़काने का काम किया, लोगों के साथ तूतू मैमे करने का काम रोहिणी आचार्य ने किया, तो इस पर कार्रवाई होगी, जांच की प्रक्रिया चल रही है। डीएम सबसे बात हुई, सम्राट चौधरी ने सवाल खड़ा किया है कि रोहिणी के साथ राबड़ी जी का बॉडीगार्ड कैसे था, जबकि अशोक चौधरी का बॉडीगार्ड उनकी बेटी के साथ। अरे यार, फालतू का बेकार का बात, लोगों हवे में बात करता है, कैसे था कैसे था, इसका कोई मतलब है क्या? तीन तीन हर कैंडिडेट को तीन बॉडीगार्ड मिलता नहीं पड़ता है, उनको पता है कि मेरा बॉडीगार्ड का चेहरा क्या है। तेजस्वी यादव ने छपरा गोलीकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तेजस्वी ने दोषियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी का एक डेलीगेशन छपरा गया है, जहां वो पीड़ित परिवार से मिलेगा और आर्थिक मदद भी करेगा। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने और लालू प्रसाद ने गृह सचिव से लेकर आला अधिकारियों से बात की है। माहौल वैसा नहीं है, हमारे जाने के बाद जो है कई तरह की बातें उठेंगी, लोग बोलेंगे कि भड़काने आ रहे हैं, ये करने आ रहे हैं, इसलिए परिवार के लोगों से, कल भी हमारे पिता लालू जी की सब लोगों से बात हुई है, सुबह से हम लोग संपर्क में हैं और पार्टी का एक डेलीगेशन जो है छपरा पहुंच चुका है और जो आर्थिक मदद होगी वो किया जाएगा और प्रशासन को हम लोग जो है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो कुख्यात अपराधी है जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उसका स्पीडी ट्रायल होकर के उसको कहीं से कहीं सजा मिलनी चाहिए। आप और लालू जी ने छपरा डीएमएसपी से बात भी किया है? होम सेक्रेटरी से लेकर के एसपी डीएम सबसे बात हुई है। तो छपरा गोलीकांड की हाई लेवल जांच की मांग पर सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने तंज कसा और बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि स्पीडी ट्रायल तो एनडीए की सरकार में शुरू हुआ, आरजेडी के राज में तो स्पीडी अपहरण, स्पीडी हत्याएं और स्पीडी बूथ कैप्चरिंग होती थी। देश के लोकतंत्र में लाठी और गोली की कोई जगह नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से एक आरजेडी कार्यकर्ता की हत्या भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा सारण में किया गया वो बेहद ही निंदनीय है और मैं जिला प्रशासन से यह मांग करता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और स्पीडी ट्रायल के तहत उसे सजा प्रदान की जाए। तेजस्वी जी, स्पीडी ट्रायल तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की शुरू की हुई प्रक्रिया है।